हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर टेक न्यूज लेकर आ गया हूं और ये है हमारी वन लाइनर टेक न्यूज का 46th एपिसोड, जहां पर आज मैं आपको पूरे दिन भर की कुछ एक शॉर्ट टेक न्यूज देने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वन लाइनर टेक न्यूज का ये एपिसोड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, यहां पर जो पहली न्यूज आ रही वो सभी इंटरनेट यूजर्स के लिए आ रही, पूरे वर्ल्ड के जितने भी यूजर्स हैं उन सभी के लिए आ रही है कि आपको अगले 48 घंटे में जो है यहाँ पर इंटरनेट नेटवर्क फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो की डोमेन सर्वर्स हैं उनका रूटीन मेंटेनेंस किया जा रहा है अगले 48 आवर्स के दौरान में। दोस्तों, आज की अगली न्यूज आती है पोको F1 को लेकर कि अभी तक पोको F1 जो है ऑनलाइन ही अवेलेबल था सिर्फ फ्लिपकार्ट या मी स्टोर पर, लेकिन अब ऑफलाइन अवेलेबल कराया जा रहा है जो मी होम स्टोर है वहां पर 13 अक्टूबर से ये अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, आज की जो अगली न्यूज आ रही है वो यहाँ पर एयरटेल के नए ऑफर को लेकर आ रही है। एयरटेल ने यहाँ पर पार्टनरशिप किया है फ्लिपकार्ट के साथ में, तो अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर परचेज करते हैं तो वहां पर आप एयरटेल का सिम यूज करते हैं तो आपको डायरेक्ट वहां पर 2500 रुपीज का कैशबैक दिया जाएगा वाउचर्स के रूप में। 50 रुपीज के ये वाउचर्स आपको मिलेंगे माई एयरटेल ऐप में। साथ में अगर आप वहां पर रिचार्ज कराते हैं 199, 249 या 448 रुपीज वाला तो एयरटेल वहां पर आपको जो है 100 GB डेटा भी बिल्कुल फ्री में दे रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ और आज की जो नेक्स्ट न्यूज आती है वो यहाँ पर इंडिया में स्मार्टफोन्स की सेल को लेकर आ रही है कि जो सेकेंड क्वार्टर था 2018 का वहां पर 11.7 मिलियन यूनिट्स जो है ऑनलाइन सेल किए गए स्मार्टफोन्स के, और ये काफी ज्यादा जो है स्मार्टफोन्स हैं। और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर थर्ड क्वार्टर होने वाला है तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेजन पर काफी ज्यादा सेल चल रही है, तो इसी को लेकर बताया जा रहा है कि जो थर्ड क्वार्टर है उसमें जो सेल होगी वो इससे भी ज्यादा होने वाली है, तकरीबन 15 मिलियन यूनिट सेल यहाँ पर किए जाने वाले हैं। तो इंडिया में काफी ज्यादा लोग जो है इस समय स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं। दोस्तों, आज की जो अगली न्यूज आती है वो फेसबुक की तरफ से आ रही है कि अब आप अपने फेसबुक चैट ग्रुप में 250 लोगों को ऐड कर सकते हैं और वहां पर जो है चैट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ और आज की जो अगली न्यूज आ रही है वो यहाँ पर ऑनर प्ले को लेकर आ रही है कि ऑनर प्ले में यहाँ पर एक नया अपडेट आया, जो ऑनर प्ले में GPU टर्बो वाली प्रॉब्लम चल रही थी उसको फिक्स कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर AIS वाला सपोर्ट भी अब आपको दिया गया है। AIS मतलब यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया जा रहा है। दोस्तों, आज की जो अगली न्यूज आती है वो यहाँ पर विंडोज 10 के अपडेट को लेकर आती है। मैंने आपको पिछली टेक न्यूज में बताया था जो विंडोज 10 का अक्टूबर अपडेट था उसे जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वापस ले लिया गया था, फिर दोबारा से उसे रिज्यूम किया गया, बताया गया कि जो भी बग्स थे वो सब फिक्स कर लिए गए। लेकिन अब यहाँ पर जो है अपडेट करने के बाद में लोगों को प्रॉब्लम आ रही, जो ब्लू डेथ स्क्रीन वाला जो एरर होता है वो यहाँ पर आ रहा है और ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो HP यूजर्स को आ रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ और आज की जो अगली न्यूज आ रही है वो जियो और WhatsApp की तरफ से आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जियो और WhatsApp आपके सिटीज के अंदर आने वाले हैं, वहां पर वो रोड शो वगैरह करेंगे, तो इसको लेकर आज जो है जयपुर की में जो है जियो और WhatsApp की टीम गई और वहां पर उन्होंने रोड स्किट किया, जिसमें उन्होंने WhatsApp के जो भी यहाँ पर मिसलीडिंग मैसेज आपके पास आते हैं या जो भी फेक मैसेज आते हैं उनको लेकर इन्फॉर्मेशन दी। दोस्तों, आज की जो अगली न्यूज आ रही वो Xiaomi के ब्लैक शार्क स्मार्टफोन को लेकर आ रही है कि अब इसकी जो है इंटरनेशनल वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है और बताया जा रहा है कि जल्दी ही इस स्मार्टफोन को इंटरनेशनली लॉन्च किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ एक शॉर्ट टेक न्यूज जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया। अगर आपको टेक न्यूज पसंद आई तो प्लीज इस टेक न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।